तो गाइस ये चेक कीजिए, यहाँ पर लगे हैं हमारे कश्मीरी छोले चावल, जो कि अंकल की सीक्रेट रेसिपी है, आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अंकल ने मुझे बताया कि इस तरीके से इसको बनाया जाता है। मैं तो सुनकर ही हैरान हो गई, इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इतनी टेस्टी रेसिपी कैसे कोई तैयार कर सकता है। यहाँ की ये छोले चावल खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं बहुत, और मतलब अंकल ने एक लॉट लगाया था 6-7 प्लेटों का, एक ही बार में वो ख़त्म हो गया। तो गाइज ये चेक कीजिए, ये है अंकल की स्पेशल रेसिपी वाले छोले। तो अंकल आपके दिमाग में कैसे आया कि यहाँ पर आपको ये इस तरीके के छोले प्रिपेयर करने हैं? मैंने लोगों को कुछ अच्छा अलग खिलाना चाहिए, सब तो हर जगह छोले तो रेगुलर मिलते ही हैं। अच्छा गाइज प्लेट्स लग रही है हमारी, सबसे पहले अंकल जी यहाँ पे चावल करते हैं। तो अंकल जी क्या क्या मसाले वगैरह इसके अंदर जाते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं आप? इसमें सारे खड़े मसाले होते हैं, अरे उबाल के फिर खड़े पीस के निकाल लेते हैं। अच्छा, तो अंकल के जो छोले हैं ना, उसकी रंगत, उसकी खुशबू और उसको सर्व करने का तरीका, तो तीनों चीज़ें ही यहाँ पे एकदम डिफरेंट है दोस्तों। अरे आ जाना 20 तारीख को आ जाना। और ये चेक कीजिए, एक साथ ना प्लेट लगती रहती है, मतलब हर एक मिनट में लॉट चेंज होता रहता है यहाँ पर। और ये देखिए ऊपर से जाएंगे अब यहाँ पर छोले, और छोले का आप टेक्सचर देखिए, आप कंसिस्टेंसी देखिए छोले की, बहुत ही अमेजिंग, एकदम गाढ़े गाढ़े से छोले होते हैं यहाँ पर, एकदम कलर जो है ना हमारे छोलों का रेड होता है यहाँ पर। अंकल ने मुझे बताया इनकी रेसिपी जो है बहुत ही डिफरेंट है, वो सिर्फ बटर और टमाटर से ये हमारे छोले प्रिपेयर करते हैं। ये देखिए, चेक कीजिए आप रंगत यहाँ पर छोलों की, मतलब देखते ही ना शूट से पहले मेरा मन कर गया कि मैं इसको पहले ट्राई करूँ, इतनी ज़्यादा अमेजिंग अरोमा यहाँ पर आ रहा है। और ये चेक कीजिए, अब डाली जाएंगी ये खस्ता पापड़ी। अंकल इसको क्या कहते हैं? इसको पापड़ी बोलते हैं। पापड़ी ही ये डाली जा रही है ऊपर, खस्ता पापड़ी, तो एकदम ढेर सारी ऊपर से खस्ता पापड़ी डालिए, जिससे टेस्ट और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा यहाँ पर, इससे क्रिस्पी बनाया जाएगा। हाँ, इससे क्रिस्पी बनाया जाएगा आपको, इसको और ज्यादा क्रिस्पी बनाया जाएगा, जैसे पापड़ खाते हैं ना वैसा ही आपको एकदम बराबर टेस्ट आने वाला है। ये चेक कीजिए भाई, अमेजिंग। ये ऊपर से डाल दिए हैं प्याज, चॉप प्याज, प्याज के बिना तो भाई खाना अधूरा होता है ना, तो अंकल जी ने प्याज भी यहाँ डाल दिया। अब डाले जाएगा ऊपर से पनीर, ये देखिए ढेर सारा पनीर, मतलब एक ही प्लेट में इतना बढ़िया स्वाद। अंकल प्राइस क्या रहता है? 50 का, फुल 90 का। अच्छा, और ये देखिए ऊपर से चटनी, भाई चटनी की खुशबू डालते ही जो आई ना बहुत ही बढ़िया थी। ये क्या है, रायता? हाँ जी रायता, रायता ऊपर से थोड़ा सा। ये आ गया आपका चाट मसाला, और ये आ गया भाई चाट मसाला, और ये डलेगा भाई ऊपर से नींबू का रस। ये चेक कीजिए भाई, आप देख रहे हो, देखते ही ना आपके मुंह में पानी आ गया होगा देखते देखते कि किस तरीके से अंकल प्रिपेयर कर रहे हैं। सिर्फ रेसिपी ही नहीं, ऊपर से जो इसके ऊपर चीजें डाली हैं उससे स्वाद 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है यहाँ पर। ये आपकी टॉफी लास्ट में गिफ्ट है। ये क्या है? ये गिफ्ट है। अच्छा मेरा, थैंक यू। तो गाइज ये हमारी प्लेट हो गई है रेडी, ट्राई करते हैं, मैं तो सच में एक्साइटेड हूँ इसको ट्राई करने के लिए। आप एक्साइटेड हैं कि नहीं है यहाँ पर आके जरूर? अंकल एक बार एड्रेस बता दीजिए मेरे को। एड्रेस ये रामनगर, आलमबाग रामनगर, गीता वस्त्रालय के जस्ट बगल में। अच्छा ठीक है, आ चुकी है हमारी यहाँ पर, तो ट्राई करते हैं। बहुत सारी चीज़ें डाली हैं, प्याज क्रंचीनेस के लिए यहाँ पर ऊपर पापड़ी डाली है, दही डाला है, चटनी डाली है, एक ही प्लेट में इतना सारा स्वाद दे दिया अंकल ने। और इनके छोले भी ना जो है ना वो अलग है। ये चेक कीजिए, यहाँ पर छोले ना एकदम ब्लैक से हैं, बट यहाँ पे वाइट छोले यूज़ किए हुए हैं। ट्राई करते हैं एक स्पून बढ़िया सा, ये देखिए भाई अमेजिंग, एकदम चटपटा सा। अंकल ने मुझे बताया उन्होंने सिर्फ इसके अंदर ना टमाटर और बटर डाला है, टमाटर और बटर से ये छोले प्रिपेयर किए। अंकल पाकिस्तानी मुझे स्टाइल तो छोले अच्छे चावल यार, मज़ा आ गया ट्राई करके। बाकी आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आपको दिखा दिया, ये गीता वस्त्रालय है, उसके जस्ट सामने अंकल की ये कार्ट आपको मिल जाएगी जहाँ सर्व कर। Definitely do give it a try.
बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।